अगर हमें धरती पर जीवन चाहिए तो जंगलों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जंगलों से ही हमें शुद्ध हवा और बारिश मिलती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में जंगलों का कल्चर और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। इंडियन सोसाइटी ऑफ कल्चर का विकास जंगलों की छत्र छाया में ही हुआ है, पर आज के समय में जंगलों के हालात को देखकर हम सभी का मन दुखी होता है। एक तरफ तो हम लगातार पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आए दिन हम जंगलों में आग लगने की खबर सुनते हैं। इस आग लगने के चलते जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जंगल में आग किस तरह लगती है, साथ ही कुछ बचाव के उपायों की बात करेंगे जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आग लगने के कारणों के बारे में। नंबर एक, इंसानों की वजह से। जंगल में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं इंसानों के कारण होती है, जैसे आगजनी, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, चलता हुआ कचरा छोड़ देना। जैसे जैसे हम प्रकृति का दोहन बढ़ाते जा रहे हैं, एनवायरमेंट में संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते बारिश कम हो रही है और गर्मी ज्यादा होती जा रही है, और इसके कारण भी जंगलों में आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। नंबर दो, चीड़ की पत्तियों की वजह से। हो सकता है ये सुनने में आपको अजीब लगे, पर यह हकीकत है। चीड़ की पत्तियां मतलब पीरुल और उसकी छाल से निकलने वाला केमिकल रेजिन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। इसमें जरा सी चिंगारी लगते ही आग भड़क जाती है और विकराल रूप ले लेती है। उत्तराखंड में करीब 16-17% जंगल चीड़ के हैं। इन्हें जंगलों में आग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार माना जाता है। नंबर तीन, मौसम की वजह से। जंगल में आग लगने के वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन अमूमन ऐसी घटनाएं गर्मी के दिनों में ज्यादा देखी जाती हैं। गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। गर्मियों के दिनों में पेड़ और पेड़ की टहनियां पूरी तरह से सूख जाती है। उस समय हल्की सी चिंगारी पूरे जंगल को अपनी आगोश में लेने के लिए काफी है, और कभी कभी तो गर्मियों के दिनों में जंगलों से गुजरने वाली ट्रेनों से निकलने वाली चिंगारी भी आग भड़का देती है, और इसके बाद सूरज की तेज किरणें भी आग को बढ़ा देती है। ये तो हमने जाने आग लगने के कुछ कारण। अब हम ये जानेंगे कि आग लगने के ऊपर काबू कैसे पाया जाए। विशेषज्ञ आग की पॉसिबिलिटीज का पता लगाने के लिए कुछ विशेष टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हवा की गति, टेम्परेचर जैसे पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इन पैरामीटर्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से पहले ही हम टूल्स का उपयोग करके आग को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जंगल में उन सभी चीजों को हटा देना चाहिए जो चिंगारी पैदा करती हों। जंगल के इलाकों के बीच में गड्ढे खोद देने चाहिए ताकि आग ज्यादा ना फैले। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अगले मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।